गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज क्लास नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज मैट्रिसेस। एंड इन प्रीवियस क्लास वी हैड डन द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बेस्ड ऑन दोज यू हैड टू डू एक्सरसाइज 3.3 और इसमें आपने मुझे लगता है काफी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं जिसमें कोई डाउट हो सकता है। तो मैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, फर्स्ट पार्ट एक पार्ट में बता देता हूं तो बाकी पार्ट्स आपने करने हैं। अब एक और पार्ट है इसमें, वी हैव ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट? देन वी हैव टू वेरीफाई ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, वी हैव टू वेरीफाई ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। आई स्टैंड फॉर एंटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट ए ट्रांसपोज। व्हाट इज ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज इज रोज गेट कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा इधर आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा एज इट इज। ठीक है, नाउ गेट ए ट्रांसपोज ए, दैट इज ए ट्रांसपोज पहले लिखोगे कॉस अल्फा। आपको पता है ना कि आपके पास मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटेटिव हो। ठीक है, तो इसलिए जो है ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज में डिफरेंस होता है, राइट? तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा, दिस इज साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड इट इज कॉस अल्फा। नाउ इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम कि दिस रो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, दिस रो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम। सेम वही जैसे आपको मल्टीप्लीकेशन पता ही है। तो इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो कॉस से कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इस रो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका इससे मल्टीप्लाई और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और इसका इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। मतलब इस रो का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आ गया, दिस रो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम दिस वन, दिस रो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम दिस वन एंड दिस रो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम इज दिस वन। तो ये तो हो गया हमारे पास 1 0 0 1, तो दैट मींस व्हिच इज एंटी मैट्रिक्स, ये आपने वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। तो ये तो आपको पता ही है कि सिमेट्रिक करने के लिए उसका ट्रांसपोज जो है उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाना चाहिए, तो दैट इज सिमेट्रिक। और सेकंड पार्ट में शो दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस ए के इक्वल आ जाना चाहिए, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जो आपने प्रीवियस क्लास में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन इज फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए 1 6 5 7, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ना आपको कि किसी भी, जैसे हमने प्रॉपर्टीज से उसको प्रूफ किया था, एक जनरल मेथड से हमने प्रूफ किया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी ऑलवेज हैव ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक वेयर एज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम किसी एग्जांपल को लेके करते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है वेयर एज ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। चलो करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज
रोज गेट मल्टीप्लाइड, नहीं गेट चेंज इनटू कॉलम्स, 1 5 हो जाएगा और 6 7 हो गया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, हमने इसको शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो ऐड करो 2 7 6 5 11 11 14, ठीक है, दिस इज ए प्लस ए ट्रांसपोज। लेट इसको बी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाना चाहिए, नाउ बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करो 2 11 11 14, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 2 11 11 14, तो वो इसके ए के इक्वल बी के इक्वल आ गया, तो इट मींस जो बी मैट्रिक्स है दैट इज सिमेट्रिक, है ना। तो इस ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैंने अज्यूम कर लिया था कि दैट इज बी, अब बी ट्रांसपोज करके देखा तो बी के इक्वल आ गया, तो दैट मींस बी इज सिमेट्रिक, बी किसको लिया था मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो दैट मींस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिक के लिए करते हैं, अब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को देखो, नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करो 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0, दिस इज, इसको मैं सपोज मान लेता हूं सी, लेट कर लिया मैंने सी। अब इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल माइनस इसके इक्वल आ जाना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये आना चाहिए। तो अगर हमारे पास सी है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो माइनस सी के इक्वल आना चाहिए, तो लेट अस सी, नाउ सी ट्रांसपोज करके देखो, सी ट्रांसपोज इज 0 माइनस 1 1 0, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस 1 1 0, टेक माइनस इज कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो 0 माइनस 1 1 0, तो ये किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया, देखो सी के इक्वल आ गया तो माइनस सी, तो सी ट्रांसपोज इज माइनस सी, देयरफॉर सी इज स्क्यू सिमेट्रिक, और सी किसको माना था हमने, सी माना था हमने किसको, ए माइनस ए ट्रांसपोज, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन एक पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, क्या था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वी हैव टू एक्सप्रेस दैट मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स देखते हैं क्या है, लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल किया था, जल्दी से कर लेते हैं। लेट सेकंड पार्ट, टेंथ का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लेट ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 और माइनस 2 3 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 3। क्वेश्चन इज वी हैव टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो निकाल लेते हैं पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज इज 6 माइनस 2 2, यानी कि रोज को कॉलम्स में लिख दिया आपने, फिर -2 3 -1 2 -1 3। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए कैन बी रिटन एज हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ऐसे रहने देते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इन दोनों को ऐड करो 6 प्लस 6 12, -4 4 और ये कितना आ जाएगा -2 और -4
और 6 और माइनस 2, फिर 4 और माइनस 2 और 6, राइट, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज करो, इसमें से 6 में से 6 0, फिर 2 प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 0, ये 0 0 0 0 0 0 है ना, ये सिमेट्रिक स्क्वायर हो गया तो 0 ही आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक होगा और ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स है तो वो तो चाहे आपके पास हर एक तरह का मैट्रिक्स हो सकता है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसी आप जो है, और दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसी आप एक और पार्ट इसमें कर सकते हैं, सारी पार्ट्स ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज इलेवेंथ क्वेश्चन, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। A and B are symmetric matrices then A transpose is equal to A and B transpose is equal to B होता है। तो अब आपको क्या करना है, symmetric matrices in order, then AB minus BA is now AB minus BA। अब ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो नाउ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करो, तो इट कैन रिटर्न एज ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, बिकॉज ऑफ ए माइनस बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसको हमने ए अज्यूम कर लिया, इसको बी कर लिया, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब आपको पता है कि ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जिसमें आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज किया था, ठीक है। तो ए बी ट्रांसपोज दैट कैन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्स वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, राइट। ए बी दोबारा देख दूंगा तो फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो अब बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं, बी, और ए ट्रांसपोज को ए, ए ट्रांसपोज को ए और बी ट्रांसपोज को बी, बिकॉज ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, गिवन था, ठीक है, एज गिवन, दैट वाज गिवन। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ए बी माइनस बी ए। तो देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो दैट डॉट, ये किस टाइप का मैट्रिक्स आ गया, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। Therefore, AB minus BA is skew symmetric matrix. ठीक है, तो this was question number 11, और 12th question भी देख लेते हैं। 12th question is A इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, दैट इज गिवन। तो ए, ए इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके देखो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है,
is equal to i, i that is 1001, add karo cos alpha 2 cos alpha और 0 0 2 cos alpha 1001. अब टू matrices आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल. तो दैट means 2 cos alpha is equal to 1, तो cos alpha is equal to 1 by 2. तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 by 2, किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 6 पाई बाई 3 cos 60 की वैल्यू होती है ना, हाँ. तो cos अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो दैट मींस सेकंड बी पार्ट इज करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बेटा आपने यहां तक बहुत अच्छी तरह से करना है ये एक्सरसाइजेस, इसको यहां तक बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे. जो नेक्स्ट क्लास में जो होने वाला है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, और उसका एप्लीकेशन जो है वो 5 मार्क्स में आता है या 6 मार्क्स में आता है, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो वो आपने नेक्स्ट जो क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, और बेटा अब तक का जो काम है वो आप कंप्लीट करके रखेंगे. ठीक है, तो सारे मंडे को मैं आपका चेक करूंगा. Thank you very much. Have a nice day.